हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेजेस किचन। मैं हूं आपकी फ्रेंड ज्योति जानी। आज मैं आपके लिए बादाम मूंग दाल का हलवा, इसकी रेसिपी लेके आई हूं। मूंग दाल का हलवा सुनते ही टेंशन हो जाता है ना, बट आपको मेरी रेसिपी देख के ही पता चलेगा कि इसमें कोई सोकिंग वगैरह नहीं है और बड़ी इजीली आप भी मेरी तरह बादाम मूंग दाल का हलवा बना पाएंगे। चलिए तो रेसिपी देखिए। यहाँ पर मैंने मूंग की धुली दाल, ये मूंग की जो पीली छिलके बगैर की दाल है वो मैंने ली है। मेजरमेंट के हिसाब से 200 ग्राम है और ये कप के हिसाब से एक कप मैंने ली है। और ये दाल को मैंने ना अच्छे से ड्राई कपड़े से इसको पोंछ लिए है, क्योंकि उसके ऊपर जो वाइट पाउडर होता है वो हमने निकाल दिया है। आप इसको धो के अच्छे से ड्राई कर सकते हैं कपड़े में और फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको धोया नहीं है। ये मेरी 200 ग्राम है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ 20 से 22 बादाम के ये जो गरी है वो ली है, वो साबुत बादाम है, उसको भी हम दाल के साथ रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने पैन लिया है, पैन में कुछ भी नहीं डाला है और ये हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे। इसके साथ मैं ये बादाम की गिरी भी है वो डाल दूंगी और इसको हल्के एकदम लो गैस पे धीरे धीरे हम रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा गोल्डन येलो कलर इसका हो जाए वहाँ तक हमको ही इसको करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर मुझे दाल को चलाते हुए 5 से 6 मिनट हुई है। मैं बहुत ही लो फ्लेम पे इसको रोस्ट किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा दाल जो हमारी है वो गोल्डन एकदम कलर हो गई है। जो येलो कलर था उसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। तो मैं इसी टाइम पे मेरी गैस की फ्लेम बंद करके इसको बाजू पर उतार कर उसको ठंडा करने देंगे हम थोड़ी देर। ये हमारी मूंग की दाल है, ये रूम टेम्परेचर पे ऐसे हम इसको हाथ लगाए वैसी हो गई है। तो इसी टाइम पे मैं इसको मेरे ये जो मिक्सर ग्राइंडर है उसमें मैं इसको क्रश कर लूँगी। ये इसको मैं दो पार्ट में क्रश करूंगी क्योंकि हमें हल्का सा कोर्स रखना है, ये बिल्कुल फाइन नहीं रखना करना है। ये देखिए, ये मिक्सी में मैंने इसको ग्राइंड कर दिया है। ये इस तरह से दरदरा रखना है हमको, बिल्कुल फाइन नहीं करना है। तो ही ये हलवा खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ कढ़ाई को मैंने गर्म होने रख दिया है और मैं अभी यहाँ पर आधा कप यानी 125 ml जितना घी लेती हूँ। ऐसे तो हमें 1 कप ही लेना है पर मैं अभी इतना ही ले रही हूँ, उसके बाद हम बीच बीच में डालते रहेंगे। मैंने यहाँ 10 काजू लिए थे, उसके मैंने टुकड़े कर दिए, आप टुकड़े जो मिलते हैं वो भी ले सकते हैं। इसको गर्म घी में हम डाल रहे हैं। ये मैंने 5 बादाम है उसको आधा कट कर लिया है और ये 15 से 20 रेजिन्स हैं। इसको हम हल्का, ये जो घी गर्म हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से हिला के सौटे करके रोस्ट हो जाए तो हम निकाल देंगे इसको घी में से। ये देखिए, हमारे मेवे जो है वो बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गए। ये देखिए, हमारी जो ये रेजिन्स है ये फूल एकदम अच्छे से फूल गई है, तो हम इसी स्टेज पे इसको निकाल देंगे। हमारा घी ये गर्म ही है, मैंने घी निकाला भी नहीं है और उतना ही है। इसी घी में मैं 1 टेबल स्पून जितनी सूजी है, रवा जिसको बोलते हैं, उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। ये एक मैजिक इंग्रेडिएंट का काम करता है। ये यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून बेसन लिया है। ये दोनों ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे हमारे हलवा को। एक तरह से ये मैजिक इंग्रेडिएंट है कि वो हमारा जो हलवा है वो बाहर जो हलवाई लोग बनाते हैं उसी स्टाइल से रेडी होगा। इसको हम 1 मिनट तक इस तरह से चला के इसको हम रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा बेसन और सूजी है वो अच्छे से 1 मिनट हमने घी में इसको रोस्ट कर दिया है। अब इसी टाइम पे हम ये हमारा जो मूंग दाल का दरदरा बेस पाउडर है वो हम इसमें डाल देंगे। इसको हम अब अच्छे से हिलाते रहेंगे और गैस की आंच बिल्कुल स्लो पे ही रखना है ताकि ये हमारा जो मिक्सचर है वो जल नहीं जाए और धीरे धीरे पकता रहे। ये हमारा जो मिक्सचर है, ये देखिए घी बिल्कुल ही इसी तरह होना चाहिए ताकि हम इसको अच्छे से हिला सके। इसको थोड़ी देर तक हम चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए और इसका थोड़ा सा कलर बदल जाएगा।
यहाँ पर हमें दाल को इस तरह से चलाते हुए 6 से 7 मिनट हो गई है। ये देखिए दाल का कलर बिल्कुल ही बदल गया है, जो एकदम से येल्लो था थोड़ा लाइट हो गया है, क्योंकि ये घी और वो सूजी हमने डाली है उसकी वजह से। और अच्छे से हमारा ये जो मिक्सचर है भून गया है इस तरह से घी में। तो इसी टाइम पे मैं इसमें, ये हमारा दाल जो थी 1 कप थी, तो हमें उसी मेजरमेंट से ये 1 कप पानी डालना है, क्योंकि हमने सोकिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं किया है। तो हम इसीलिए इसी स्टेज पे पानी डालेंगे, ताकि हमारे दाल के जो ग्रैन्यूल्स है वो अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए हमारे दाल जो है पानी बिल्कुल ही एकदम से अच्छे से सोक कर लेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था 1 कप में, वो भी मैं अभी इस तरह से ऐड कर लूँगी। मैंने इसमें पानी डाला है इसीलिए मैं उसको 1 मिनट तक इस तरह से ढक के हम पकने देंगे इसको। 1 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको देखिए देखेंगे, ये बिल्कुल जला नहीं है। ये सारा प्रोसेस हम स्लो गैस पे कर रहे हैं, तो गैस की आंच बिल्कुल ही फास्ट मत करना, वरना हमारा जो ये हलवा है ना वो जल जाएगा। ये हमने 5 से 6 मिनट ड्राई दाल को हमने इसको रोस्ट कर दिया था, अभी हमने घी में भी 6 से 7 मिनट रोस्ट किया, यानी टोटल प्रोसेस इसका 12 से 13 मिनट का हो गया है, और इतना अच्छा रिजल्ट हमको मिला है। अब यहाँ पर ये जो हमने 1 कप पानी डाला था, और अभी मैं इसमें यही कप का 2 कप हम दूध डालेंगे, और धीरे धीरे डालेंगे, वरना क्या होता है वो सारा दूध हाथ पे आके हाथ जल जाता है। धीरे धीरे इसको हिलाते रहेंगे। मैं ये दूसरा कप दूध भी इसमें ऐड कर रही हूँ। हम इधर धीरे धीरे चलाते रहेंगे इसको। ये देखिए हमारी जो दाल का मिक्सचर है इसने पूरा दूध ऐसे सोक कर लिया है, आप देखिए। इसी टाइम पे मैंने ये केसर के 10 से 12 स्ट्रेंस दूध में भिगो दिए थे, इसी को ही मैं अभी ऐड कर दूंगी। हम कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं कर रहे, ये जो केसर है वही हमारा हलवे में हमको अच्छे से कलर भी देगा। मेरी गैस की फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो पे ही है। हम हलवाई स्टाइल हलवा बना रहे हैं, तो इसी स्टेज पे मैं 1/2 से भी 1/2 कप जितना घी ऐड कर रही हूँ। ये हलवे में घी बहुत ही अच्छे से होता है, और इसीलिए हलवा का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो मैंने 1/2 कप घी अभी इसमें ऐड कर दिया है, और हम इसको इसी तरह चला लेंगे। आप देखेंगे ये घी बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं है, अभी ये इसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा। और इसी टाइम पे मैं ये जो शक्कर है मैंने 1/2 से थोड़ा ज़्यादा लिया है बाउल में, अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो दाल है वो डबल क्वांटिटी में हो जाती है ना फूल के, तो मैंने इसीलिए उसी हिसाब से ये दाल शक्कर की क्वांटिटी रखी है। यहाँ पर हमारा जो हमने शुगर डाला था उसका जो पानी मेल्ट हुआ था ये अब्सॉर्ब हो गया है, अभी थोड़ी देर में घी रिलीज होगा। और मैं यहाँ पर आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि हमने जब दूध ऐड किया था उसी वक्त, अगर इसमें आप बाहर जो हलवा मिलता है उसमें उन लोग मावा डालते हैं, खोया डालते हैं, तो अगर आपको खोया डाल के करना है तो उसी वक्त जब दूध डालते हैं तब आपको ये ऐड कर देना है, और फिर वो अच्छे से मिल जाए तभी हम उसमें शुगर डालेंगे। पर अभी हम बिल्कुल खोया बगैर का एकदम दानेदार हलवा बना रहे हैं। ये देखिए हमारा जो घी है वो रिलीज हो गया, आप साइड साइड से देख सकते हैं बबल्स आ रहे हैं। तो ये हमारा हलवा जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन है। अब हम इसी स्टेज पे ये जो हमने घी में जो रेजिन्स काजू भुने थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने बादाम को रखा है, वो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, और ये हलवा है इसमें तो हमने बादाम डाली ही है क्रश करके, तो ये हमारा बादाम मूंग दाल का हलवा है ना, बिल्कुल हेल्दी है। ये देखिए हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी है। देखो हमारा
ये जो ये वेसल है वो ऐसी इस तरह से छूट रहा है यानी, और ये देखिए मैं अगर चमचे को भी ऐसे करूँगी तो चमचे में भी नहीं रहता है। इट मीन्स कि हमारा जो हलवा है बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये देखिए ये मैंने हलवा को सर्व कर दिया है। बहुत ही बढ़िया खुशबू है और एकदम बढ़िया कलर है। ये मैं इसको बादाम से इस तरह से गार्निश करूँगी। हमारा हलवा रेडी है ना, मैं इसको टेस्ट करके बता रही हूँ, उससे तो रहा नहीं जा रहा है, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। यम्मी। आपको ये हलवा कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स में लिखना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।